जिले में हिट एंड रन कानून के विरोध जारी है। सोमवार को शुरू हुई हड़ताल का असर मंगलवार को भी देखने को मिला, जिसके चलते ट्रक और बस चालकों की हड़ताल जारी रही, जिससे ट्रक और डंपरों के पहिए थम गए। साथ ही ऑटो चालकों ने भी हड़ताल को समर्थन दिया है। सीधी सिंगरौली के NH 39 में केंद्र सरकार के विरोध में वाहन चालक ने अपना विरोध दर्ज किया है। सड़क के बीचों बीच गाड़ियां लगाकर चक्का जाम किया तो नेशनल हाईवे में गाड़ियों का आना जाना पूरी तरह बंद हो गया। इधर वाहन चालक संघ के सदस्यों ने सुबह बस स्टैंड पर एकत्र होकर जमकर नारेबाजी की, सरकार से काला कानून वापस लेने की भी मांग की। जिले में कई ट्रक यात्री बसें नहीं चली और ऑटो चालकों ने भी हड़ताल कर दी। इसके अलावा डंपर और टैंकर चालकों की हड़ताल के कारण रेत और डीजल पेट्रोल भी नहीं पहुंच पाया। सब्जी कारोबारी का कहना है कि रोजाना की आवक से लगभग 60% गाड़ियां पहुंची हैं। कहना चाहेंगे यहाँ पे पेट्रोल नहीं है उपलब्ध, पेट्रोल मिल ही नहीं रहा है, क्या बोला जा रहा है? पेट्रोल खत्म है। कहाँ से आ रहे हैं आप? तो क्या लग रहा है कि पेट्रोल नहीं मिल रहा तो किस तरह की समस्या होगी? परेशानी है, यहाँ से आदमी सोचता था कि लोकल टंकी डलवा लूंगा तो हमको फिर दूर जाना पड़ेगा। सर ये जो सरकार ने अपना रूल निकाला है उसकी वजह से जनता हम लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। हम लोगों की गाड़ियाँ टाइम से नहीं आ पा रही हैं, न जनता को तेल पेट्रोल मिल पा रहा है। अब जबलपुर से गाड़ियाँ आने के बाद रास्ते में खड़ी हो जा रही हैं, उन्हें हर पूरे जाम लगा दिए हैं रास्ते में, गाड़ियाँ इस पार आ नहीं पा रही, तो हम लोग कैसे पूरा है? अभी पेट्रोल सुबह ख़त्म हो गया, डीजल चल रहा है, आपको डीजल जितना चाहिए अभी दे सकते हैं, पेट्रोल नहीं है। कहाँ गाड़ी फंसी हुई है आपकी? सर गाड़ी इधर करथुआ तक आ गई, करथुआ पे आके उसको रुकवा लिया।